नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम टाई एंड डाई के बारे में बातचीत करेंगे। टाई एंड डाई को हम बांधनी भी कहते हैं। जब हम टाई एंड डाई की बात करते हैं, यह कपड़े को सजाने या पैटर्न बनाने की एक प्राचीन कला है। यह एक प्रतिरोध प्रतिक्रिया है जिसमें कपड़े के क्षेत्र को धागे, कॉर्ड या रबर बैंड का प्रयोग करके हम बांध देते हैं। फिर बनाए गए जटिल पैटर्न को प्रकट करने के लिए कपड़े को डाई में डुबाया जाता है। कपड़े का जो क्षेत्र धागे से बाधा नहीं होता है, वो क्षेत्र डाई को अवशोषित करता है, जबकि बंधे हुए क्षेत्र में डाई का विरोध होता है और वह एरिया कपड़े में सफ़ेद रहता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो टाई एंड डाई में हम किसी भी पैटर्न को क्रिएट करने के लिए जो हमें डिज़ाइन चाहिए, उस डिज़ाइन में उस पर्टिकुलर एरिया को हम किसी भी थ्रेड से या कॉर्ड से या रबर बैंड से हम उसे बांध देते हैं और उसके बाद हम उसे डाई करते हैं। डाई करने के पश्चात और डाई की क्रिया के दौरान जिस एरिए में हमारा धागा बंधा होता है, उसमें डाई हमारी अवशोषित नहीं होती है और जो हमारा रेस्ट एरिया है, जिसमें मीन्स कि हमने कोई भी थ्रेड या किसी भी कॉर्ड का प्रयोग करके टाई नहीं करा है, वह एरिए में डाई एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारा पैटर्न क्रिएट होता है। जब हम बात करते हैं बांधनी की इतिहास की, बांधनी का विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में जापान और चीन में हुआ था। यह भारत, इंडोनेशिया, घाना और अन्य अफ्रीकी देशों में भी पारंपरिक शिल्प है। इस प्रक्रिया में कपड़े को डाई में डुबाने से पहले कपड़े के एक टुकड़े को जटिल पैटर्न में बांधने के लिए धागे का उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से बांधनी दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है और भारत में बांधनी, जापान में सिबोरी, इंडोनेशिया में जम्पुटन और थाईलैंड में मुतमी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं, जब हम टाई एंड डाई कर रहे हैं तो इस कार्य को करने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। टाई एंड डाई की कोई भी पैटर्न या टाई एंड डाई के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें फैब्रिक चाहिए, डाई चाहिए, NaCl चाहिए, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, या इसके बदले हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। और कपड़े को टाई करने के लिए हमें धागे की रिक्वायरमेंट है, जिसे टाइंग थ्रेड बोलते हैं। एक स्टील का पैन चाहिए हमें, जिसमें हम डाई करेंगे, और स्टेरर के लिए हमें चम्मच या लकड़ी का स्टेरर रिक्वायर्ड होता है। इसमें हमें फिक्सर रिक्वायर्ड है। डाई करने के बाद कपड़े को वॉश करने से पहले हम उसको फिक्सर में डाल देते हैं, जिससे कि जितनी डाई हमारी एब्जॉर्ब होनी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो उसमें से पेनिट्रेट होना है, जिसको मीन्स कि डाई को फैब्रिक में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा और रेस्ट जो हमारा अनएब्जॉर्ब डाई है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे उसमें से निकल जाएंगे। जब हम टाई एंड डाई की बात करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं कपड़े को टाई करने के लिए। उसके हमें ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें हम दाल का यूज़ कर सकते हैं, पत्थर का यूज़ कर सकते हैं, कंचे का यूज़ कर सकते हैं, और रबड़ के दस्ताने हमें रिक्वायर्ड हैं जब हम डाई करेंगे तो, जिससे कि हमारे डाई हमारे हाथों को गंदा ना करें, इसलिए हमें रबड़ के ग्लव्स भी रिक्वायर्ड होंगे। जब हम बात करते हैं कि टाई एंड डाई की, तो दे आर डिफरेंट मेथड्स टू टाई द फैब्रिक। तो टाई करने के हमारे डिफरेंट तरीके कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्ट टाइंग जिसे बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट टाइंग में क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को लेके हम टाई करते हैं, जिससे कि हमारे डिज़ाइन एक अलग से क्रिएट होती है, उसमें अलग इफेक्ट क्रिएट होता है। सर्कल टाइंग में क्या है कि हम सर्कल फॉर्म में कपड़े को टाई करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के सर्कल्स और डिफरेंट साइज के सर्कल्स बन के आते हैं। मार्बलिंग क्या है, मार्बलिंग की भी एक प्रोसेस है जो अभी आप आके करके बताएंगे आपको। नेक्स्ट मेथड क्या है, फोल्डिंग, देन राउचिंग, ट्रीटिंग एंड क्लैंपिंग एंड क्लिपिंग एंड नॉटिंग। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डाइंग की। ऑब्जेक्ट डाइंग में क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के बता रही हूँ, हम किसी दाल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, या किसी पत्थर का यूज़ कर सकते हैं, या हम किसी कंचे का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम टाई की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट टाइंग में क्या है, या तो हम एक सिंगल पीस को रखें। अभी यहाँ पे मैं राजमा के बीज ले रही हूँ और उसमें मैंने एक ना लेके चार पांच लिए हुए हैं और उनको एक एक संग इकट्ठा करके मैं इसको टाई करूंगी। टाई की लोकेशन कोई भी हो सकती है, जिस पैटर्न को आपको रिक्वायर्ड है, जैसा पैटर्न आप बनाना चाहते हैं वैसा आप पैटर्न करेंगे। मैंने इसमें रखा और इसको अब मैं टाई करूंगी। ये मैंने सेंटर में टाई करा है। सपोज मुझे पैटर्न रिक्वायर्ड है कि मैं चारों ओर
से डिजाइन क्रिएट करना चाहती हूँ सर्कल के, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अभी तो मैंने एक संग लिए है, अब यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल थ्रेड से मीन्स स्मॉल ऑब्जेक्ट डाइंग चाहती हूँ, मीन्स कि जो हमारा एरिया आएगा जिसमें कि सिंगल बीच का प्रयोग करके मैं टाई करूंगी, जिससे कि हमारा जो सर्कल फॉर्म होगा सेंटर में वो स्मॉल फॉर्म होगा। आप इसको मार्क कर सकते हैं पहले भी अगर आपको आइडिया नहीं है। और टाई करने का तरीका देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, थ्रेड को लिया, इसको लपेटा, लपेटने के बाद आप इसमें ऐसे घुसा के इसको नॉट बना सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट टाइंग का मेथड है। अभी तो मैंने यहाँ पे दालों का प्रयोग करा है, आप किसी पत्थर का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे सपोज ये पत्थर है तो बड़ा है, इससे छोटे पत्थर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट वाला एरिया होगा जितना स्मॉल होगा, तो उसमें स्मॉल एरिया में हमारा अनडाइड एरिया बन के आएगा। जैसे मैंने पत्थर लिया तो इससे बड़ा, ये जो हमारा सर्कल फॉर्म होगा मीन्स जो हमारा सेंटर में एरिया बन के आएगा वो अधिक बन के आएगा। जैसे आपको पीपीटी में दिखाई पड़ रहा है, ये जो पिक्चर बनी हुई है उसमें देखिए ऑब्जेक्ट डाइंग से स्मॉल सीड्स को लेके करा हुआ है, किसी भी दाल को बीज के बीच को लेके बनाया हुआ है। उसमें क्या करा है, एक सर्कल को बनाने के लिए, एक स्मॉल सर्कल के लिए उन्हें बहुत छोटे छोटे दानों को प्रयोग करा हुआ है। एक जैसे सपोज एक मैं यहाँ पे दाल ले रही हूँ इसमें मसूर की, ये छोटे छोटे से बीज को लेके एक सर्कल फॉर्म करा है। ये देखिए सब में डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे मैंने चार पांच राजमा के दाने लिए थे, उनको एक संग लिया, तो इससे हमारा जो सर्कल का एरिया है वो बढ़ गया है, इसमें इससे छोटा बना है। और जब मैं मसूर की दाल ले रही हूँ, ये इससे और छोटा बना है। जब आप इसको डाई करेंगे तो दाल थोड़ी भीगने के बाद थोड़ी फूलती भी है, इसलिए बहुत प्रिकॉशनली इसको हमको टाई करना पड़ता है, क्योंकि एरिया एक्सटेंड होगा और कपड़े को भी वो कपड़े में मीन्स एक्सटेंड होने लग जाएगा। कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा तो खैर गीले होने में, जब ऐसे उसमें वाटर पड़ता है उसकी मजबूती स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसको हम ऐसे टाई करेंगे, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट टाइंग का मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा सर्कल टाइंग। सर्कल टाइंग में क्या है, कपड़े को केंद्र से उठाएं जिससे कपड़े में चुनटे बनेगी। सपोज ये मेरा फैब्रिक है, इस फैब्रिक में मैंने क्या करा, ये सेंटर इसको पकड़ा, सेंटर को लेके मैंने अलग अलग टाइप के सर्कल फॉर्म करूंगी। मीन्स सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बांधना स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या करेंगे, मैंने कपड़े को सेंटर से लिया, इसको मैं यहां से टाई करूंगी। और सर्कल में कितना मोटा चाहिए उतना अधिक टाई करूंगी। सपोज मुझे पतले पतले सर्कल फॉर्मेशन चाहिए फैब्रिक में, तो मैं इसमें 5-6 बार टाई करूंगी और उसको उसके बाद नॉट लगा दूंगी। ये मेरा सेंटर में एक सर्कल फॉर्म हो गया। अब मुझे दूसरा सर्कल बनाना है, मुझे डिस्टेंस अपने आप से डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कितनी डिस्टेंस में रिक्वायर्ड है। इसको लेंगे इस तरह से, इसको अगेन टाई करेंगे। और सर्कल की स्ट्रेंथ आपकी डिपेंड करती है कि आपको कितने सर्कल रिक्वायर्ड है और कितनी विड्थ के सर्कल रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप टाई करेंगे। आपको अधिक चाहिए कम चाहिए, ये सब आपका डिपेंड करता है डिजाइन में और आप कैसा बना रहे हैं मोटिफ। जब इनको आप डाई करेंगे तो जो एरिया आपने टाई करा है वहां पे कलर आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो आपका व्हाइट एरिया है उसमें आपकी डाई एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसमें आपका पैटर्न बन के आएगा।
जैसा कि आपको पीपीटी में दिखाई दे रहा है कि सैंपल डाई करने के बाद कैसा बन के आया है, ये आपका टाइम सर्कल से इसी तरह का फॉर्म होके बनेगा। नेक्स्ट आपका है मार्बलिंग। कपड़े को मोड़े और एक बॉल जैसा बनाएंगे, सभी दिशाओं में तब तक बांधे जब तक कि काफी सख्त सा ना हो जाए। बांधे हुए कपड़े को रंग के घोल में डालकर रंगे, जिससे खोलने के बाद अलग अलग टाइप का आपको कलर इसमें स्पैट फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। सपोज आपका ये फैब्रिक है, फैब्रिक को मैं क्या करूंगी, ये पे मैंने ट्रायंगल फैब्रिक लिया, इसको मुझे मार्बलिंग में डाई करना है मार्बलिंग मेथड से। तो मैं क्या करूँ, कपड़े को लूंगी और इसमें मुझे क्रश कर देना है, इसे क्रश करके एक बॉल टाइप की फॉर्म करनी है। उसको फॉर्म करने के बाद इसको, इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है टाई करने का, इसको हमको ऐसे टाई करना है कि कपड़ा टाई अच्छी तरह से हो जाए, टाइट बॉल जैसी फॉर्म हो जाए, और जहाँ जहाँ पे तागा बदा होगा वहाँ वहाँ पे कलर ब्लीड नहीं होगा। इसमें जो कपड़ा डाई होके आता है वो उसमें रैंडम स्प्रेडिंग होती है कलर की, और इसको हम सिंगल या डबल कलर से कर सकते हैं। अगर हम सिंगल या डबल कलर से जब कर रहे हैं, सपोज अगर हम डबल कलर से करना चाहते हैं, तो पहले हम लाइट कलर से डाई करेंगे, उसके बाद हम डार्क कलर से इसको डाई करेंगे। ये आपका इस तरह से बनता जाएगा। इसको टाइट करके बांधेंगे, जरा सी भी इसमें लूज नहीं होना चाहिए, लूज होगा तो फिर इसमें कलर जो है वो आपका सॉलिड कलर फॉर्म होके आ जाएगा। डाई के बाद कोई पैटर्न फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए जब टाई आप करेंगे इसको तो बहुत टाइटली टाई करेंगे, जिससे कि जो एरिया टाई हो रहा है उसमें कलर ब्लीड ना हो और कोई पैटर्न फॉर्म होके आए। इसमें जो है हमारा मार्बलिंग में कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म नहीं होता है, एक इसमें रैंडम स्प्रेडिंग करके कलर की स्प्रेड होता है, जैसे आपको सैंपल में दिखाई पड़ रहा है। जो आपका सैंपल है वो डबल कलर में डाई करा हुआ है, जिसमें कि पिंक एंड ब्लू है, वाइट जो है आपका बेस फैब्रिक है। तो ये इसका आपका मार्बलिंग का टाइम का मेथड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड में। नेक्स्ट मेथड है फोल्डिंग। फोल्डिंग में कपड़े को लंबाई या हम चौड़ाई या तिरछे प्लीज बनाकर मोड़ सकते हैं, जैसा भी हमें डिजाइन बनानी है। और कपड़े में जो हमने फोल्डिंग करा है, अब कपड़े को धागे से हम घेरा बनाते हुए उसको टाई करते हैं, और बांधे हुए कपड़े को रंग के घोल में हम डाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, सपोज मेरे पास ये फैब्रिक है स्क्वायर शेप में, मैं इसमें कर रही हूँ, ये मेरी फॉर्म हो रही है प्लीट्स। ये प्लीट्स फॉर्म हुई हैं। प्लीट्स फॉर्म होने के बाद मैं इनको टाई करूंगी। टाई का मेथड क्या है मेरा, मैं एक रेगुलर पैटर्न में इसमें लाइनिंग चाहती हूं, तो इसमें मैं क्या कर रही हूं, इक्वल डिस्टेंस में इसको टाई करूंगी। इसमें जो मेरे लाइंस बन के आएंगी वो मेरी लेंथ वाइज बन के आएंगी। टाई करेंगे, नॉट लगाएंगे, थ्रेड को कट करेंगे।
तरह से आप पूरे लेंथ वाइज कपड़े को टाई कर लेंगे। टाई करने के बाद जब डाई करेंगे, जो आपको जैसे दिखाई पड़ रहा है सैंपल में, डाइट सैंपल में वैसा बन के आएगा, लेकिन इसमें जो अभी ये मैं कर रही हूँ लेंथ वाइज, इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आपको अगर डायगोनल लाइंस चाहिए तो आप कैसे टाई करेंगे। ये था हमारा लेंथ वाइज। सपोज अगर हमको कपड़े में डायगोनल लाइंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें डायगोनल प्लीट फॉर्म करेंगे। इस तरह से आप प्लीट बनाते जाएंगे। ये हमने डायगोनल स्प्लीट फॉर्म करी है। पहले सेंटर से इसमें टाई कर रही हूं। इस तरह से पूरे कपड़े में आप इसको टाई करेंगे इस तरह से, तो आपका डायगोनल लाइंस फॉर्म होके आएंगी जब आप इस फैब्रिक को डाई करोगे। इस तरह से अगर आपको अलग अलग पैटर्न्स चाहिए मींस लाइनिंग के, तो इसको अलग अलग तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और आपका फैब्रिक उस पैटर्न में क्रिएट होके आएगा। इसमें आप इसको यहाँ भी टाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी टाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है राउचिंग। राउचिंग में क्या है कि आप कपड़े को सपाट करके रखेंगे, फ्लैट करके रखेंगे, किसी भी रस्सी के टुकड़े से या किसी भी एक थ्रेड से, मोटर थ्रेड लेंगे, उसको आप डायगोनली उसको उसके ऊपर रोल करते हुए कपड़े को रखेंगे। किनारे को पिन करके सेफ्टी पिन से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खुले हुए एजेस हैं उनको बंद करने के लिए, या कोई उसमें आप एक टक भी कर सकते हैं थ्रेड और निडल से। और इसके बाद इसे एक उसमें कंप्रेस करेंगे और उसके बाद उस धागे में नॉट बांध देंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैंने क्या करा है, इस कपड़े से इसको डोरी फॉर्म में ले रही हूँ और उसके बाद क्या करूँगी, मैं इसके चारों ओर इसको फोल्ड करते जाऊँगी, जो ये एजेस को अंदर को हम दबा देंगे। इस तरह से इस डोरी के चारों ओर मैं इसको फोल्ड करते हुए जा रही हूँ। आप इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो लास्ट एज है इसको दबाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं तो हम यहाँ पे इसको पिन कर सकते हैं या टक कर सकते हैं। मैं इसको निडल से यहाँ पे टक कर दे रही हूँ, एक स्मॉल इसमें हम इसमें इसको टक करेंगे। इसको फिर मैंने कट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ऐसे एक संग कंप्रेस करेंगे, मीन्स इकट्ठा कर लेंगे। जितना अधिक से अधिक इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं उतना कंप्रेस करेंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे टाई कर देंगे। तो ये हमारा राउचिंग मेथड है। इससे जो हमारा फैब्रिक बन के आएगा, आपको इसे दिखाया हुआ है सैंपल में, उसमें क्या कहीं पे हमारा जो लास्ट वाला एजेस हैं, जो सेंटर के एजेस हैं, हमारा जो कलर है वो एक डायगोनल स्प्रेडिंग वे में आता है, वो हमें एक उसमें जो कलर है वो स्प्रेडिंग वे में बन के आएगा, जो पैटर्न बन के आएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं राउचिंग। इसको हम कट कर लेते हैं।
जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है ट्रीटिंग। ट्रीटिंग में क्या है, हम किसी भी पैटर्न को जो हम बनाना चाहते हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे, या आपको पहले से आइडिया कि हमें कैसा चाहिए सैंपल में, तो आप उसको स्टिच कर सकते हैं या उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे कि आप हल्का पेंसिल या चॉक का यूज़ करेंगे, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने इसमें इसको ऐसे मार्क कर लिया है और मैं इसको ब्लू कलर से डाई करूँगी, इसलिए मैंने इसमें अभी स्केच पेन का यूज़ कर लिया है। और इसके बाद मैं करूँगी निडल और थ्रेड का यूज़ करूँगी और इसमें मैं टाँके लगाऊँगी और उसको उसकी फॉर्म में छोड़ दूंगी। जो टाँके अगर डबल है तो हमारा टाइट रहेगा, इस तरीके से हम इसमें टांके लगा लेंगे। और जो टांके हैं वो दोनों साइड से हमारे बंद होने चाहिए, तब हमारा कलर ब्लीड नहीं होगा। जैसे ये है, अब मैं इधर से भी इसमें टांके लगा देती हूं कि जो कलर की स्प्रेडिंग है वो ज्यादा ना हो। और कलर ब्लीड ना करें, इसको बहुत प्रिकॉशनली करना पड़ता है एक्चुअली इसमें से, अदरवाइज सैंपल में जो हमारा मोटिव है वो मोटिव क्लियर नहीं आता है। तो आप डबल थ्रेड को लेके इसको टाई कर सकते हैं। जो हमारे डॉट डॉट्स हैं और यहाँ पे बहुत स्लाइट कलर बन के आएगा और डॉट वाले एरिया में उस पर थोड़ा एक फोकस पॉइंट बन के आता है, और इस तरह से इसको टाई कर सकते हैं। कोई भी आप मोटिव ड्रॉ करके उसको टाई करेंगे, उसके बाद इसको आप डाई करेंगे। मैंने इसमें नॉट लगा दिए लास्ट में। इस तरह से आप कोई भी मोटिव बना के उसको आप टाई कर सकते हैं जो पर्टिकुलर पैटर्न आपको रिक्वायर्ड है। इसके नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है क्लैंपिंग या क्लिपिंग का प्रयोग करके। मींस आप कोई भी पैटर्न बना के, सपोज आपको कोई डिज़ाइन चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी पैटर्न के फॉर्म में इसको फोल्ड कर सकते हैं। और जैसे जहाँ जहाँ पर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि मैंने टाई करा है, आप टाई करने के बदले यहाँ पे कोई भी क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आप हेयर्स में लगाते हैं पिन का, उस पिन का यूज़ कर सकते हैं इसमें। इवन जो आप बुक्स के लिए यूज़ करते हैं क्लैंप्स या फाइल्स में आप यूज़ करते हैं क्लिप्स का, उन क्लिप्स को प्रयोग करके डिस्टेंस में लगा सकते हैं और उनका प्रयोग करके आप कोई भी पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद इसको आप पिन कर सकते हैं जिस भी डिस्टेंस में आपको रिक्वायर्ड है, इस तरीके से। वैसे पिंस का यूज़ करके अलग अलग डिस्टेंस में आप जितना डिस्टेंस में आपको लाइनिंग रिक्वायर्ड है उससे से कर सकते हैं। अगर आप प्लेन पिन लेंगे तो उसमें सिंगल लाइन बन के आएगी, जैसे आपने अभी याली पिन यूज़ करी है इसमें डबल लाइन बन के आएगी एक ही रो में। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है नॉटिंग। नॉटिंग में क्या है, आप कपड़े में गांठ लगाएंगे। गांठ लगा के एक अलग पैटर्न क्रिएट होता है। गांठ लगाने का भी पैटर्न है, मींस सपोज आपके पास बड़ा फैब्रिक है तो उसमें आप एक अलग तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा फैब्रिक है तो उसमें आप कैसे क्रिएट करेंगे। नॉट लगाने का तरीका क्या है, आप सेंटर में लगा सकते हैं, आप कॉर्नर्स में लगा सकते हैं। और उसका तरीका क्या होगा, सपोज मैं साइड से ले रही हूँ, मुझे लंबाई में चाहिए तो मैंने ऐसे लेके इसमें नॉट लगा लिए।
तो ये नॉटेड जो एरिया है यहाँ पे डाई एब्जॉर्ब नहीं होगी और एक पैटर्न क्रिएट होके आएगा। वैसे ही क्या है, मैंने एक दूसरा कॉर्नर लिया, उसमें नॉट लगाई, तो ये आपके पैटर्न, इसमें नॉटेड पैटर्न क्रिएट होगा, जो नॉट बनी है उससे आपका यहाँ पे डाई एब्जॉर्ब नहीं होगी और जो व्हाइट एरिया है वहाँ पे डाई एब्जॉर्ब जाएगी और एक आपका पैटर्न क्रिएट होके आएगा। अभी तक मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए कि आप कपड़े को डिफरेंट मेथड से कैसे कैसे टाई कर सकते हैं और जो ये मेथड्स हैं इनसे जब उन टाइट सैंपल्स को आप डाई करेंगे तो आपको अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट होके आएंगे, अलग अलग पैटर्न्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं रंग को कैसे तैयार करेंगे, मीन्स डाई सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे जब हमको फैब्रिक को डाई करना है। सपोज हमको शेड रिक्वायर है 3%, 3% मीन्स क्या है, सपोज आपके पास 100 ग्राम फैब्रिक है तो उसमें आपको 3 ग्राम आपको ये डाई रिक्वायर्ड होगी और सॉल्ट कितना रिक्वायर्ड होगा आपको 50 से 20 ग्राम पर लीटर। आपको सपोज आपका डाई सॉल्यूशन के लिए आपके पास 1000 ml 1 लीटर आपके पास वाटर है तो उसमें 50 to 20 ग्राम आपको क्या डालना पड़ेगा, सॉल्ट। मेटेरियल रेशियो क्या है, 1:10 भी है, यह आपको मैं लैब के उससे बता रही हूँ कि कितना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कीप द 1:30 या 1:20, तो उसमें क्या है आपका जितना मेटेरियल रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप काम करेंगे और डाई का टाइम क्या है 45 मिनट्स। तो इस तरह से आप डाई सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे और अपने सैंपल्स उसमें डालेंगे और उन सैंपल्स को डाई करेंगे 45 मिनट्स तक। डाई करने के बाद आप उनको अच्छे से, जब डाई सॉल्यूशन में डाई हो गया 45 मिनट्स के लिए, आप इवन एक इसका मेन प्रिंसिपल है, जब आप डाई कर रहे हैं आप उसके वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे वाटर के जितना उसमें दिया हुआ है। सपोज जैसे मैंने बताया कि आप 1:10 का रेशियो है तो जैसे आप डाई करेंगे तो एवोपरेट भी होगा तो उस डाई सॉल्यूशन को आप पानी डाल के मेंटेन करेंगे तो आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन बना होना चाहिए डाई सॉल्यूशन। और दूसरी चीज क्या है, जब आप डाई करेंगे, डाई करने के बाद आप जब फैब्रिक को निकालेंगे, निकालने के बाद आप उसको फिक्सर में डालेंगे, फिक्सर में डालेंगे तो फिक्सर डालने के बाद क्या है, जो सॉल्ट का काम है वो तो ऑलरेडी है कि जो एग्जॉस्ट करे डाई को, डाई मॉलिक्यूल्स को फैब्रिक में। उसके बाद भी क्या हम फिक्सर का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द डायरेक्ट डाई, और टाई एंड डाई जो मैं बेसिकली वी यूज़ द डायरेक्ट डाई, डायरेक्ट डाई को एग्जॉस्ट करने के लिए कि सॉल्ट को डालने के बाद एग्जॉस्ट हुई ही नहीं, हम इस फिक्सर का यूज़ करते हैं। आप सैंपल को डाई कर लिया है, डाई करने के बाद आप सैंपल को जो आप डाई सॉल्यूशन से निकाल रहे हैं उसमें वाटर में आप फिक्सर डालेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए मीन्स आधा घंटे के लिए उसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद फिर आप डाई सैंपल को हल्का सा डैम जेल होता है हमारा सैंपल तो उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आप उसके जो नॉट्स आपने बांधी हैं, जो भी आपने थ्रेड्स बांधे हैं उनको खोलेंगे और सैंपल को सुखा लेंगे। धन्यवाद।